काफी ज्यादा सांभर होता है तो अच्छा लगता है, सांभर अच्छा लगता है मुझे भी, इनको भी, और इनको तो साउथ इंडियन फूड्स अच्छा ही लगता है बहुत मुझे। जैसे साउथ इंडियन फूड में जनरली ये इडली डोसा उत्पम मेंदू वड़ा ये चारों मेनली अच्छा लगता है, और इनको जैसे सांभर राइस भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं मुझे सिंपल दाल चावल अच्छा लगता है, लेकिन सांभर राइस मुझे उतना टेम्पटिंग नहीं लगता है, लेकिन इनको बहुत मतलब इनको वो साउथ इंडियन लाइफ स्टाइल की फूड ही बहुत अच्छी लगती है, और मुझे बस ये तीन चार जो मेन मेन डिशेस होती हैं उनकी वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये सांभर है काफ़ी ज़्यादा है, मैं ये सारी चटनियाँ निकाल लूँगी, इकट्ठे निकाल लेती हूँ। पहले मुझे ना ये रेड वाली चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जब भी मैं रेस्टोरेंट जाती थी तो मैं फेंक देती थी, लेकिन आजकल इन्होंने कुछ चेंजिंग किया है कि क्या है पता नहीं, लेकिन काफी अच्छा लगता है, देख रहे टेम्पटिंग है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है क्योंकि हमारे पास चीजें भी बहुत ज्यादा है ना। अरे कोकोनट चटनी, हमारे वहाँ कोकोनट चटनी डायरेक्ट से कोकोनट चटनी नहीं होती, उसके साथ दाल ही देते हैं तो अच्छा लगता है। मेरा जो कजन ब्रदर है ना उसका नाम शिवम है, वो जब भी बनारस आता है ना, क्योंकि इलाहाबाद में वो रहता है और इलाहाबाद में इडली वगैरह इतना पॉपुलर नहीं है, रेस्टोरेंट में आपको मिल जाते हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रीट फूड में इतना फेमस नहीं है, लेकिन बनारस में ये स्ट्रीट फूड में बहुत फेमस है, तो जब भी आता है तो वो और जॉय जाता है, वो इंजॉय करते हैं, उसको बहुत पसंद है इडली डोसा, तो हर जगह मिल जाता है आजकल। ये मेरी इडली, ये बड़ा इसी में रखी थी तो उसको ये बहुत पसंद है, और मुझे मुझे इलाहाबाद में एक जगह है सिविल लाइन्स, वहाँ के मोमो बहुत पसंद है। जैसे तैसे मैंने निकाल लिया सारा, ये मैंने सारा फूड यहाँ पे निकाल लिया है, दिखाती हूँ, ये इडली बड़ा और डोसा, ये सांभर, कोकोनट चटनी और ये रेड चटनी, और यहाँ पे मैंने बैंगन काट के रखे हैं, यहाँ पे मैंने बैंगन जो काट के रखे हैं वो इसलिए काट के रखे हैं क्योंकि मैं बनाऊँगी बैंगन मसाला, लेकिन साउथ इंडियन स्टाइल में कड़ी पत्ता वगैरह डाल के मैं दिखाऊंगी आपको। और ये बोल रहे थे आज साउथ इंडियन खा रहे, तो दिन भर थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप से ही खाते हैं, मतलब सारे खाने में थोड़ा सा साउथ इंडियन टचअप दे देना, तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो मैंने काट के रखा है, मैं थोड़ी देर बाद उसको बनाऊंगी, और क्योंकि अभी तो हम लोग यही खा रहे, लंच का टाइम तो हो ही गया है, और बाकी देखते हैं घर की साफ सफाई, अभी सारी चीजें बाकी ही है मेरी, छुट्टी का दिन होता है तो बस हम लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो मतलब लोग घर के अंदर ही एक बड़े घर एक बड़े घर करते रहते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है प्रॉपरली, जो भी हो अभी हम जा रहे हैं खाएंगे और फिर देखते हैं सोचते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और ये आपको पता ही होगा क्या है, ये टॉयलेट के वो सिंक, टॉयलेट के सिंक नहीं, वो जो पीछे टैंक होती है ना फ्लश टैंक पे, इसको डालते हैं, इसको उतारते नहीं है, इसके साथ ही डालते हैं, तब मैं दो लेके आई थी मॉल से, दो कसेट, तो मेरा अभी पानी ब्लू नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो अब ये नया डालने का टाइम आ गया है, तो मैं इसे उसके टैंक में डाल दूंगी, फ्लश के टैंक में डालूंगी अभी।
और यहाँ मैं अपने टॉयलेट पे आ गई हूँ और ये मैं इसके अंदर ऐसे ड्रॉप कर दूंगी, साइड से इसको बंद कर दूंगी और ये ऐसे धीरे से ड्रॉप कर दिया मैंने इसको। अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा हैंड वॉश करूंगी। डंबल जैसे देखिए यहाँ पे कितना गंदा रहता है अपना, क्योंकि झाड़ू वहाँ अटकती है ना डंबल की वजह से। चलो बजरंगबली तुम्हें माफ करे। वो दो चीज घर रिलेटेड आपके बिना मेरा नहीं हो पाता, वो है कि ये वाली कर्टन चेंज करना, किचन वाली मैं कर लेती हूँ, ऊपर चढ़ जाती हूँ बच्चों की तरह ही। और ये एक बॉक्स खोला, ये बहुत हेवी है, ये मैट्रेस बहुत हेवी है, मैट्रेस भी हटा दे तो फिर मैं बॉक्स खोल लूंगी। ये मेरा नया लॉक और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये असेंबल कर लिया है और कैसे करूंगी। इस साइड पे मैंने डाला है क्लीन वाटर और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है थोड़ा सा डेटॉल, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, डिसइंफेक्शन हो जाता है, इफेक्ट कर देता है चीजों को। और लाइजर भी डाला है क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी लैवेंडर फ्लेवर, तो इस पे मैं इसको ऐसे डालूंगी। डालने के बाद ऐसे प्रेशर आप नीचे डालो, ठीक है। अब हो गया, अब ये क्लिप कैसे करते हैं यहाँ से दिखाती हूँ। आप इसके इसको अपने एंगल के हिसाब से ऐसे कर ले, बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी हो जाता है। अभी मुझे पोछा लगाना कोई डिफिकल्ट काम बिल्कुल भी नहीं लगता, आप इसे जब कभी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ड्राई ड्राई पोछा लगता है, तो ऐसा भी नहीं कि सूखी बहुत टाइम लगेगा, और जब कभी भी मन हो आप कर सकते हैं।